इवनिंग एवरीबडी, मैं हूं अनिकेत सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हमने अभी तक अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेक्चर सीरीज़ में पढ़ा था कि प्रीएम्बल क्या होता है, हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी पढ़ा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को पहले देखिए, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पॉलिटी सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है। हम लॉ लर्नर्स की तरह लॉ पढ़ेंगे, ना कि सिर्फ हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रीएम्बल में हमने क्या पढ़ा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू इट्स ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो हमने Constitution के बारे में पढ़ा था कि क्या था ये। तो it was, इसको बोला जाता है key to open the mind of the makers of Constitution. यानी कि वो कहना क्या चाह रहे थे ये बता रहा है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि आने वाले कितने भी लॉज बनेंगे, ये प्रीएम्बल हमें बताता है कि आने वाले जितने भी लॉज बनेंगे उसको इस प्रीएम्बल में जो जो चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी इक्वालिटी, तो ये इन सब के चीज़ों को सेटिस्फाई करना होगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ माना जाएगा। जी, हमने पिछले लेक्चर में इसको काफ़ी अच्छे से कवर किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारा प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। जी हाँ, क्या ये हमारे संविधान का एक पार्ट है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा अलग फुटिंग पे चलता है हमारा प्रीएम्बल, जैसे कि बाकी सारे जो प्रीएम्बल होते हैं एक्ट्स के, डिफरेंट एक्ट्स के, वो इनैक्ट नहीं किए जाते, वो अडॉप्ट नहीं किए जाते। लेकिन इस प्रीएम्बल को, इंडिया के प्रीएम्बल को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को इनैक्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, इसको पास भी किया गया था। तो हम देखते हैं इसको, इसमें बोलते हैं द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक द प्रीएम्बल ऑफ एन एक्ट और द प्रीएम्बल ऑफ एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनैक्टेड एंड अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली By the same procedure as the rest of Constitution, इसको जिस तरीके से हमने Constitution को adopt, enact और दिया था अपने आप को, उसी तरीके से हमने अपने preamble को भी उसी procedure से अपने आप को दिया था। This is supported by the history of the preamble. In its initial form, the preamble was introduced in the Constituent Assembly in the form of objective resolutions as the first substantive issue to be discussed and decided as गाइड फॉर इट सब्सिक्वेंट deliberations एंड decisions इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने सबसे पहले इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पास किया था उसकी फॉर्म में, लेकिन इस सब को लेकर एक बात भी आई थी बाद में, द प्रीएम्बल फॉर्म्स द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने के हमें इंटेंशन से लग रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेरोबरी यूनियन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में इसको नहीं माना था। उसमें बोला गया था प्रीएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केस का नाम क्या है, बेरोबरी यूनियन में ये बोला गया था कि हमारा प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और ये बोला गया था द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, जी हाँ, इस केस में बोला गया था द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was the part of constitution and the observations to the contrary in Berubari Union case was not correct. Supreme Court ने बोला था अब तक की one of the biggest bench है Supreme Court की, इसमें overrule करते हुए बोला था Berubari case को कि जी नहीं, preamble to the constitution of India हमारे संविधान का एक बहुत ही अहम अंग है, ठीक है। The recognition of the preamble as an integral part of constitution makes the preamble a valuable aid in the constructions of the provision of the constitution. हमें provisions को कैसे पढ़ना है, कोई provision अगर किसी चीज़ में कोई बात clearly नहीं बता पा रहा है तो हम back to the basics, हम अपने constitution के preamble पे आते हैं कि preamble एक nature बता रहा है कि provisions कैसे होंगे, तो हम उससे उस provision के nature को deduce कर सकते हैं। जी हाँ,
फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कुछ 3 ब्रॉड गोल्स सेट किए थे। पहला, दे सॉट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उन्होंने इंडिया को एक रिपब्लिक बनाना था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक हेरिडिटी पोस्ट हो। सेकेंड क्या था, सेकेंड उन्होंने बताया इट इज़ अ सॉवरन बिकॉज इट कैन और अनमेक एनी डिसीजन विद रेस्पेक्ट टू इट सेल्फ विदाउट इंटरफेरेंस बाई एनी अनदर कंट्री। उन्होंने बताया कि हम अपने कंट्री को संप्रभु बना रहे हैं, सॉवरन बना रहे हैं, हम अपने डिसीजन्स खुद से लेंगे, इंटरनल चाहे वो एक्सटर्नल, और हमें किसी भी बाहर की अथॉरिटी से इसके बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड इन द प्रीएम्बल बाई द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, ये हमने अभी अपने बाद में पढ़ लिया था। तो मोटी मोटी ये बात रहती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है एक बहुत ही अहम अंग है, जो कि हमें बताया गया था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस केशवानंद भारती, फिर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। सेकंड, जो ब्रॉड गोल बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ये बताया था द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स सॉट टू सिक्योर टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया जस्टिस दैट इज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशंस बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ये जो हमने देखा था, तो जो इसमें एक्सप्रेशंस थे जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, उनका कोई फिक्स कंटेंट नहीं था और वो इतने ईजी नहीं है, इतने डेफिनेट नहीं कि आप उनको कैसे डिफाइन कर सकेंगे। ठीक है, दे आर नॉट विदाउट कंटेंट और एज मेयर प्लेटिट्यूड्स, उनका कोई एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। कैसी जस्टिस, सोशल जस्टिस कैसे मिलेगी, किस टाइप की सोशल जस्टिस होगी, फ्रटर्निटी कैसी होगी, तो ये कहीं लिखा नहीं है। दे आर नॉट गिविन कंटेंट बाई इनेक्टिंग प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर गिविंग कंटेंट बाई द इनेक्टिंग प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली बाई पार्ट 3। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का ये लिखना प्रीएम्बल में कि वी आर गोइंग टू गिव जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट थे, इसलिए पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं उसने प्रीएम्बल के इन लाइनों में जान डाल दी। पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स, वो आपको गारंटी देते हैं आपकी जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रटर्निटी की और डिग्निटी की देते हैं। आर्टिकल 21 अगर आप पढ़ेंगे उसमें पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो भी बताते हैं इसके बारे में, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो बाद में ऐड की गई थी। तो ये हमें पता लगता है सेकंड इंटेंशन। थर्ड इंटेंशन क्या था असेंबली का, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेड इट क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एमानेट्स अ कंक्लूसिव अजम्पशन एंड अ लीगल फिक्शन विच कैन नॉट बी टेस्टेड और क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। द प्रीएम्बल ऑल्सो इंक्लूड्स यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन बिफोर द वर्ड्स एंड इंटेग्रिटी वर इंसर्टेड बाई 42nd अमेंडमेंट जो कि हमने पढ़ा था। थर्ड वो बोल रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने साफ बता दिया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो हैं एंड नॉट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल और लेसर सोर्स, हमने खुद को ये दिया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने किसी से बनाया नहीं है, हमने किसी से पूछ के नहीं बनाया और हमने ये खुद को दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स जो हमारे थे इतनी सब बातें बता रहे थे प्रीएम्बल को बनाते टाइम, तो प्रीएम्बल हमारा कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं थी, ये बहुत बड़ी चीज़ थी और इसको हमें पता लगता है कि ये एक बहुत अहम अंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेदर प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, देन यू विल से येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वॉज हेल्ड इन केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।